आज हम लिबरल मॉडल की बात करेंगे ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पहले ट्रस्टीशिप मॉडल ले लो, या स्टेक होल्डर्स मॉडल ले लो, या एथिकल मॉडल ले लो, एथिक्स मॉडल, या स्टैटिस्ट मॉडल ले लो, सबके मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे आप जाके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी मिल जाएगा। तो ये जो लिबरल मॉडल है, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने पेश किया था, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है। आप इस मॉडल को गलत भी ठहरा सकते हो, क्योंकि इस मॉडल का विचार क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसके वजह से वो चालू हुआ है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल के एग्जैक्ट ऑपोजिट चला जाता है। ये क्या बोलता है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने धंधा शुरू किया, मैं गुड्स बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एम्प्लॉय को पगार दे रहा हूँ, वो तो नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्टेक होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया। मैं कस्टमर को क्वालिटी दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा हूँ, और फिर गवर्नमेंट लोक सेवा और देश सेवा कर रहा है। ये क्या बोलता है, मैं लॉज ओबे कर रहा हूँ, मैं वेल्थ जनरेट कर रहा हूँ, मैं बोलते ना, मैं प्राइवेट चैरिटी के बजाय, जैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो हम कर रहे हैं। सो इट इज मोर ऑफ कि मैं इकोनॉमिक मजबूत बन जाऊं, तो ये जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा एम्प्लॉय और कस्टमर और गवर्नमेंट और सप्लायर सबके प्रति यदि पूरा हो रहा है तो वो आगे तो स्प्रेड होगा ना। और ये मॉडल काफी लोग मानते भी है कि हम अलग से दान धर्म पुण्य करें तो हम कंपनी को कब चलाए। सो ये बेसिक मॉडल क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये मानते हैं कि हम लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं कि गुड्स बना के प्रॉफिट करके शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, ये टैक्सेशन से, ठीक है ना, ये टैक्सेशन, और मे भी हमने कुछ चैरिटी किया, वो सोशल चॉइसेस होगा, लेकिन इसके अलावा हम पूरा का पूरा सोसाइटी के प्रति काम नहीं करेंगे। हम जो गुड्स बना रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हम जो गवर्नमेंट को टैक्सेस फीस दे रहे हैं, नेशन बिल्डिंग का हम काम कर रहे हैं ना, हम एम्प्लॉय का फैमिली जब पगार दे रहे हैं तो उसका फैमिली चल रहा है, हम कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं तो उसका नीड्स पूरा हो रहा है, हम सप्लायर्स को पेमेंट दे रहे हैं तो वो आगे बिजनेस को एक्सपांड और फैमिली को चला रहा है। तो हम ऑलरेडी गुड्स बना के बेच के टैक्स पे करके एम्प्लॉय को पगार दे के सप्लायर को पेमेंट करके, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर्स को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपना गुड्स दे रहे, तो हम देखा जाए तो स्टेक होल्डर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं ना, हम दान धर्म पुण्य अलग से नहीं करेंगे, हम गुड्स बनाएंगे उसके लिए एम्प्लॉयज को पगार देंगे, गुड्स कस्टमर को देंगे, क्वालिटी बेचेंगे एट गुड प्राइस, गवर्नमेंट को हम टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो हम ये सब बराबर फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम देश की सेवा कर रहे हैं, अलग से दान धर्म पुण्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन कामों में ऑटोमेटिक दान धर्म पुण्य आता है। कैसे आता है, एम्प्लॉय को पगार दिया तो उसका फैमिली चल रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स दिया तो गवर्नमेंट देश को चला रहा है, कस्टमर को गुड्स दिया तो उसका नीड्स पूरा हो रहा है, सप्लायर को पेमेंट दिया तो उसका फैमिली और धंधा चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स का हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दे रहे तो वो खुश है, तो हम कर रहे हैं ना काम। तो हमको कोई फिलेंथ्रोफी की कोई जगह ही नहीं रह जाती दान धर्म पुण्य की, क्योंकि हम गुड्स बनाते हुए सारे काम इनडायरेक्टली तो कर ही रहे, तो हमको डायरेक्टली वो करने की जरूरत नहीं है। और ये काफी कंपनीज मानते हैं, उनका गुड्स बेचते हुए हम पुण्य कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों का विचारधारा है, जबकि महात्मा गांधी का ये था प्रॉफिट करो गरीबों में बांट दो, ये उसके एग्जैक्ट विपरीत चला जाता है। और मॉडर्न जनरेशन में ये थ्योरी काफी लोग मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हम सैलरी दे रहे तो उनका फैमिली चला रहे ना, तो इसलिए हम दान धर्म पुण्य फुल टाइम नहीं करेंगे, हम गुड्स बना के बेचेंगे, उससे ऑटोमेटिक काम हो जाता है। तो शॉर्ट में ये थ्योरी था लिबरल मॉडल का। आया समझ में? आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।